Thank you, good evening. और पूछो, फिर अब गए, चलो अब ठीक है। मैं डॉक्टर उर्वशी गुप्ता, सीनियर लेक्चरर, डाइट करकडूमा, एससीईआरटी दिल्ली की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लर्निंग नेवर स्टॉप्स एलएनएस में सभी यूट्यूब व्यूअर्स, फेसबुक व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले डायरेक्टर एससीईआरटी, एकेडमिक हेड एससीईआरटी, ऑर्गेनाइजिंग एंड टेक्निकल टीम, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म कोविड-19 के टाइम पर अपने विचार और अनुभव शेयर करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। आज हम 14 जुलाई 2020 को ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लर्निंग नेवर स्टॉप्स को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक साइंस पेडागोजी एट अपर प्राइमरी लेवल के साथ प्रस्तुत हुए हैं। मेरे साथ आज इस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर तस्लीम अहमद, लेक्चरर डाइट करकडूमा हैं। डॉक्टर अहमद साइंस एंड साइंस एजुकेशन से पिछले 32 सालों से जुड़े रहे हैं। उनका स्कूल एजुकेशन में और उनका स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन में 32 सालों का अनुभव है। उनका लगभग 12 साल का स्कूल एजुकेशन और 20 साल का टीचर एजुकेशन का अनुभव रहा है। मैं अब डॉक्टर तस्लीम अहमद का ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में इस नए टॉपिक के साथ स्वागत करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो साइंस एंड पेडागोजी एट अपर प्राइमरी लेवल पर अपने विचार और अनुभव हमारे साथ शेयर करें। प्लीज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया डॉक्टर उर्वशी मैम। एक बार मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने हमें ये मौका दिया है, दिल से सभी का आभारी हूँ। देखिए, साइंस एंड पेडागोजी एट अपर प्राइमरी लेवल मेन टॉपिक है आज के। इसका पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि एक मिनिमम समझ या मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट। किसी भी इंसान की ये बेसिक ज़रूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल तरीके से जीने के लिए एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस की ज़रूरत महसूस करता है। इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंस फॉर ऑल का स्लोगन इमर्ज हुआ, इवॉल्व हुआ कि विदाउट साइंस द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव इन द सोसाइटी। देयर फॉर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस प्लैनेट और द नेशन। जी डॉक्टर अहमद, आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर अहमद, प्लीज क्लियर अबाउट साइंस इन रेफरेंस फॉर ऑल पर्संस। देखिए मैम, जो साइंस है इसका परसेप्शन और इसका मीनिंग डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट माना जाता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया है इसके बारे में। फॉर एग्जांपल, लेमैन ये मानता है कि जो लैब में हो रहा है, जो डिस्कवरीज हो रही हैं, इंडस्ट्रीज में जो हो रहा है, मेडिसिन में जो हो रहा है, ये साइंस है। कुछ लोगों का नज़रिया है, कुछ लोग मानते हैं कि साइंस एज ए मॉडर्न आइडल। कुछ लोगों का और इससे अलग नज़रिया है, वो कहते हैं कि भाई साइंस जो है ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए एक थ्रेट है, ए थ्रेट फॉर मैनकाइंड। कुछ लोग इवन जो पढ़े लिखे भी हैं वो ये मानते हैं कि जो कंटेंट है इन बुक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो साइंस है। तो देयरफॉर द डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट परसेप्शन एंड मीनिंग रिगार्डिंग द साइंस। जी मैम, क्या सोचते हैं इसके ऊपर बातचीत किया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ है, साइंस का ओरिजिन, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए सर। शुक्रिया मैम।
देखिए, वर्ड जो साइंस है दैट हैज बीन डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंसिया विच मीन्स टू नो द ट्रूथ। तो साइंस का जो ओरिजिन हुआ है वो सिंसिया वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब है टू नो, टू स्टडी द ट्रूथ। तो साइंस बेसिकली जो ये डील करता है, जो इसका संबंध है, वो साइंस बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। जो हमारे सामने ये फिजिकल वर्ल्ड है और नेचुरल वर्ल्ड है, उसका जो संबंध है वो साइंस के अंदर है। साइंस के द्वारा हम फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड की ही स्टडी करते हैं, ऐसा है। जी मैम, सर, अभी आपने साइंस के ओरिजिन में हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताया कि साइंस का ओरिजिन किस वर्ड से हुआ है और उसका क्या मीनिंग है। अब मैं एक बात और जानना चाहूंगी, व्यूअर्स की तरफ से एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नजरिया साइंस के प्रति एक ही है या अलग-अलग है, कुछ इसके बारे में भी सर बताइए प्लीज। जो स्कॉलर्स हैं उनके व्यूज भी एक बिल्कुल एक जैसे नहीं है। असल में जो एक्सपर्ट्स की अपनी अजम्पशन और जिस फील्ड से उन्होंने ज्यादा काम किया है या जिस फील्ड में ज्यादा उन्होंने वर्क करने का मौका मिला है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने साइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। लेकिन कोई ऐसी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन साइंस की नहीं है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो। मैनी स्कॉलर्स हैव अटेम्प्टेड टू डिफाइन साइंस, डिफरेंट लोगों ने साइंस को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, अटेम्प्ट किया है। सम ऑफ देम आर बीइंग प्रोड्यूस्ड हेयर, कुछ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ ताकि जो साइंस का मीनिंग है और कंसेप्ट है उसका क्लैरिफिकेशन हो सके। कॉनान के मुताबिक साइंस इज एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कंसेप्चुअल स्कीम्स दैट हैव डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड आर फ्रूटफुल फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से जॉन एच वुडबर्न ने डिफाइन किया है साइंस को, किस तरह से साइंस इज वर्क ऑफ एफर्ट्स ऑफ मैन टू डिस्क्राइब एंड रिलेट विद एवर इंक्रीजिंग एक्यूरेसी एंड सिंप्लिसिटी एंड दस एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट विद इन आवर नेचुरल एनवायरमेंट। इसी तरह से एक और डेफिनेशन है जो मैं भी जो डेफिनेशन पे बात कर रहा हूँ, मुझे भी ये थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि इन्होंने साइंस की नेचर को और जो साइंस की प्रोसेस है उसको इम्फेसाइज करने की कोशिश करी है, जो फेडरिक फिट्ज़पैट्रिक ने दी है। इसमें इन्होंने बताया है कि साइंस इज क्यूम्युलेटिव एंड एंडलेस सीरीज ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज बींग सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन द लाइट ऑफ फर्दर एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। साइंस इज बॉथ अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इट। तो इस तरह से अगर आप इफ वी गो द अबाव रिटेन और अबाव सेड डेफिनेशन वी फाउंड दैट सम डेफिनेशन इम्फेसाइज ऑन द नेचर, सम इम्फेसाइज ऑन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एंड सम ऑल्सो इम्फेसाइज दैट कि साइंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो दीज आर द डिफरेंट आई थिंक द डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स रिगार्डिंग साइंस। आपकी आवाज नहीं आ रही उर्वशी मैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर, आपने अभी जी जी डिफरेंट स्कॉलर्स को के बारे में, साइंस के क्या परसेप्शंस हैं उनके बारे में आपने अभी बात किया, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से बताया। सर, मैं इसी जो आपने परसेप्शन डिफरेंट स्कॉलर्स का बताया उसी को रखते हुए मैं साइंस की नॉलेज के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनके बारे में जानना चाहूंगी। सर, आप प्लीज इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए मैम, अगर जो ये डेफिनेशंस हैं या और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अगर आप उनसे गो थ्रू करें तो कुछ कॉमन फीचर्स, सो कॉल्ड द सैलियंट फीचर्स साइंस की निकल कर आती हैं, जो इस स्लाइड में आप शायद देख रहे होंगे। मैं इनको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस या नॉलेज ऑफ साइंस की, वो इस तरह से हैं कि साइंस इज बेसिकली नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल फिनोमिना
इट इज ऑर्डर्ड एंड सिस्टमेटिक विद इंटरनल कंसिस्टेंसी. ये वर्ड कंसिस्टेंसी है, कॉन्स्टेंसी नहीं है, आई एम वेरी सॉरी. दैट इज इट इज एन ऑर्डर्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज विद इंटरनल कंसिस्टेंसी. साइंस कॉन्सेप्ट्स आर आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन. साइंस नॉलेज इज स्केप्टिकल. साइंस इज ऑब्जेक्टिव एंड रैशनल. साइंस इज प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. साइंस इज ए प्रोसेस एज वेल एज ए प्रोडक्ट. तो दीज आर सर्टेन फीचर्स विच आर कॉमन इन ऑल द डेफिनेशंस ऑफ साइंस. तो दीज आर आई थिंक द इम्पोर्टेंट फीचर्स और सो कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज ऑफ साइंस. जी भाई, के फीचर्स की बात की, उसमें आपने सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर्ड वे में प्रेजेंटेशन को साइंस बताया एक फीचर। तो एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी जो डायरेक्टरी होती है उसमें जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वो सिस्टमेटिक और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट होते हैं, तो क्या हम उसको भी साइंस कहेंगे, डायरेक्टरी को भी अपनी? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल है. नो डाउट कि जो डायरेक्टरी है वो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, लेकिन इस डायरेक्टरी से कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरीज या कोई इस तरीके का रिसर्च या आउटपुट नहीं आता जिसे हम जनरलाइज कर सकें. कोई कॉन्सेप्ट इससे हम डेरिव नहीं कर सकते, ना ही कोई इसका आउटपुट ऐसे निकल कर आता है जिसको जनरलाइज कर दें. तो टू माई माइंड मैम, ये डायरेक्टरी जो है दैट इज नॉट ए नॉलेज ऑफ साइंस. ओके, शायद व्यूअर्स को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक अपने और फीचर है साइंस का कि साइंस एज ए प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट, इस पर भी आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए कि ये दोनों का क्या मतलब है सर। जी, थैंक यू मैम. देखिए, जब हम साइंस एज ए प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मैम, इससे हमारा मकसद और इससे हमारा जो अभिप्राय है वो ये आता है कि साइंस का रिजल्ट क्या है, जो वी डू साइंस उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका आउटपुट क्या है. तो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जिनको मैं आप शेयर करना चाहूँगा. इसमें फैक्ट्स एंड फार्मूले आते हैं. फार्मूले जितने चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, एवरीथिंग, या जो भी हमारे साइंस के एरियाज हैं. फिगर्स इसमें आती हैं, डायग्राम्स इसमें आते हैं मैम, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज इसमें आती हैं, और जितना भी कंटेंट है हमारी साइंस टेक्स्ट बुक्स में वो सारा साइंस के प्रोडक्ट के रूप में ही हम मानते हैं. तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस. जी मैम, सर आपने ये प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट की जो बात की है तो बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। प्लीज डॉक्टर अहमद, साइंस की नेचर पर भी कुछ आप प्रकाश डालिए कि साइंस की नेचर क्या है, लोग इसके बारे में क्या समझते हैं। जी मैम, थैंक यू. देखिए, साइंस की नेचर बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर्टिकुलरली फॉर टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स. अनलेस एंड अंटिल अ टीचर डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइंस, आई थिंक ही और सी कैन नॉट डू द जस्टिस विद द स्टूडेंट्स थ्रू हिज और हर टीचिंग. साइंस की नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है टीचर और टीचर एजुकेटर्स को. अदरवाइज टू माई लिटिल नॉलेज वो साइंस पढ़ाने के साथ जस्टिस नहीं कर सकता. तो साइंस की नेचर में यह है कि जो साइंस की जितनी भी नॉलेज है ये एम्पेरिकल है, और एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल का मतलब है एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस. हर चीज के लिए प्रमाण, प्रूफ, सबूत की जरूरत है. दूसरा जो इसका नेचर है वो स्केप्टिकल है. स्केप्टिकल का मतलब यह है कि जो भी साइंस की नॉलेज हम समझते हैं जो निकल के आता है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये परमानेंट भी हो सकती है, और ये जरूरी नहीं परमानेंट हो. जब नई रिसर्चेज, नई डिस्कवरीज, नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उससे पता चलता है कि जो पुरानी नॉलेज है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो इसलिए ये स्केप्टिकल है. फॉर एग्जाम्पल, जो डाल्टन एटमिक थ्योरी थी उसमें डाल्टन साहब ने प्रपोज किया जो मॉडल था एटम का, कि ये डिवाइड नहीं किया जा सकता और इंडिविजिबल है. लेकिन जो बाद में हमारे रदरफोर्ड और दूसरे लोग आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये पाया, ये प्रूव किया कि एटम जो है डिविजिबल है. इसलिए साइंस का जो नेचर है स्केप्टिकल भी है. तीसरा पॉइंट इसके नेचर में यह है कि ये रैशनल है, ये लॉजिकल है,
इसका लॉजिक है और इसको टेस्ट किया जा सकता है। ऐसी नहीं कि कोई चीज अजम्पशन पर आधारित है, जो भी आउटपुट है, जो भी नॉलेज है साइंस की, उसको टेस्ट किया जाता है अंडर एक्सपेरिमेंटेशन। और साइंस की जो प्रिसाइज है नॉलेज और एक्यूरेट है, प्रिसाइज का मतलब है कि ये ब्रीफ एंड एक्यूरेट, परफेक्शन आना चाहिए इसमें, एक्यूरेसी आना चाहिए, रेप्लीकेबल है। रेप्लीकेबल मीन्स ये है कि आप इस नॉलेज को, इस एक्सपेरिमेंट को जब भी दोहराओगे, जब भी इसको रिपीट करोगे, तो वही सेम 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैरासिटामोल बनाने का एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में उस प्रोसेस को दोहराते हैं, तो हर बार हमें उसी क्वालिटी का पैरासिटामोल प्राप्त होगा। ये कैरेक्टर रेप्लीकेबल कहलाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इसका, वो कॉज एंड इफेक्ट का है। हर चीज का कोई कॉज है जिसका असर हमें देखने को मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पर आज हम कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड का कोई कॉज है और इफेक्ट में क्या आता है कि भाई हमारा गला खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, या और दूसरे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका एक नेचर यह है कि ये एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन जो है इसका बैकबोन है, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में साइंस की नॉलेज कुछ और कहेगी और जामा जर्पन अरब या किसी दूसरी कंट्री में कुछ और कहेगी, तो ये यूनिवर्सलिज्म पर आधारित है। इसकी वैल्यूज, इसका जो वैल्यूज और जो इसकी नॉलेज है, वो यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, नो चेंज, नो बॉर्डर, स्पिरिचुअल है। अब लोग बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड एक इम्फेसिस आई है कि साइंस शुड टीच स्पिरिचुअलिटी, साइंस शुड डेवलप पर्सन एज ए स्पिरिचुअल सिटीजन। बिना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के इंसान अधूरा है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह है कि उसकी ये समझ आए कि जो यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, मेरे आसपास जो भी नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड है, मैं उसका एक पार्ट हूँ एंड पार्सल हूँ, मैं उसका एक कंपोनेंट हूँ। मेरा सर्वाइवल, मेरा वेलफेयर तभी पॉसिबल है जब मेरे आसपास का जो लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी रहे। तो मेरी ड्यूटीज क्या बनती हैं कि मेरा कोऑर्डिनेशन रहे और मैं कंट्रीब्यूट करूं, मदद करूं। जितना भी मेरे आसपास लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड है, मेरा रोल बनता है कि मैं उसको मेंटेन करूं और मैं स्पिरिचुअल काम करूं। एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ये इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए, सब ऑब्जेक्टिव है। और एक कैरेक्टर इसमें और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पार्सिमोनियस कहते हैं। पार्सिमोनियस का मतलब है ये सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हमें इंटरप्रेट करके, एक्सप्लेन करके समाज को, नागरिकों को, लोगों को बताना होता है। मीन्स कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हमें साइंस की बात लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो इस तरीके का ये कैरेक्टर्स हैं जिसको आप नेचर हम कह रहे हैं मैम। तो ये सारी, अगर ये नेचर का कंसेप्ट और नेचर की अंडरस्टैंडिंग टीचर को होती है, तो वो जब भी पढ़ाता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, किसी भी लेक्चर के दौरान, वो इन पॉइंट्स को हाईलाइट करता है, इम्फेसाइज करता है, और कोशिश करता है कि जो भी ऑडियंस हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको उस मोड पर ये करेक्टर समझाया जा सके। जी मैम। सरल शब्दों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के दौर में साइंस पढ़ाने की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन पर चर्चा कीजिए सर। देखिए मैम, जहाँ तक पेडागोजी ऑफ साइंस से ताल्लुक है, मेरी समझ के मुताबिक कोई ऐसी पेडागोजी की, कोई ऐसी दुनिया में एक डेफिनेशन नहीं है, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है पेडागोजी की, जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस मिली हो। तो बेसिकली हम पेडागोजी को ये मानते हैं कि पेडागोजी बेसिकली इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो पेडागोजी जो एक साइंस है और आर्ट है, किसका? टीचिंग का। तो मैं समझता हूँ साइंस के बारे में हमने कुछ बातें कर ली हैं कि भाई साइंस का मीनिंग क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है और साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसके एक्सप्लेनेशंस हैं, सो कॉल्ड डेफिनेशन है, और क्या इसका नेचर है, उस पर थोड़ी सी बात हो गई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाहूँगा कि जो आर्ट का पार्ट है पेडागोजी का, कि पेडागोजी एज साइंस एंड आर्ट, तो आर्ट पे मैं बात करना चाहूँगा कि आर्ट्स क्या है। तो पेडागोजिकल डिस्कोर्स जो भी है, हमारी पेडागोजिकल प्रैक्टिस जो है,
आर्ट के रेफरेंस में उसे एक हेल्दी एस्थेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए क्लासरूम में, जहाँ पर हर बच्चा एंजॉय करे, हर बच्चा इंटरेस्ट ले, हर बच्चा नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में काम करे, हर चीज की ब्यूटी हो, और पिटागोजी शुड आई थिंक एक जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करे क्लास में। तो ये आर्टिस्टिक कंपोनेंट है पेडागोजी का। अगर इसके हम पॉइंट्स की बात करें तो ये इसमें पेडागोजी एज ए आर्ट इंक्लूड्स ब्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पेडागोजिकल प्रैक्टिस। जो भी हम पेडागोजी की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें थोड़ी सी ब्यूटी होनी चाहिए, ब्यूटी इन द सेंस के सबको अच्छी लगती हो। दूसरा है एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन फॉर प्री कंसेप्शंस, एक्सपीरियंस, इंडिविजुअलिटी, क्वेश्चंस एंड रेस्पॉन्सेस ऑफ ईच एंड एवरी लर्नर। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैडम, जहाँ तक हम आर्टिस्टिक कंपोनेंट ऑफ पेडागोजी की बात करते हैं। बच्चों के जो प्री कॉन्सेप्शंस हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर सोर्स एंड रिसोर्स है फॉर टीचर। बच्चा अब क्या समझ रहा है किसी चीज के बारे में, उसका क्या परसेप्शन है, वो हमें रास्ता दिखाता है कि आगे को मुझे क्या करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। तो बच्चे के परसेप्शन और जो बच्चे के एक्सपीरियंस हैं, वो बड़े फर्टाइल कंपोनेंट हैं पेडागोजी के। तो परसेप्शन उनके क्या हैं, एक्सपीरियंस क्या है, बच्चे की इंडिविजुअलिटी क्या है, बच्चे के जो क्वेश्चंस हैं, वो हमारे लिए बड़ी दौलत है, बड़े रिसोर्स हैं, रास्ता बताते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, आर्ट ये कहती है कि हम इनका रेस्पेक्ट करें। एवरी चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर, फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, एंड एवरी चाइल्ड इज आई थिंक ए मास्टर पीस क्रिएटेड बाई गॉड और बाई नेचर। तो हर बच्चे का परसेप्शन, एक्सपीरियंस, इंडिविजुअलिटी, क्वेश्चंस और जो रेस्पॉन्स है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली हमें पेडागोजी को एडजस्ट और एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसी तरह से रेस्पेक्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द क्लास एंड यूज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एज ए रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैम, कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हर क्लास का पार्ट है, और कल्चरल डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ के रूप में हमें लेना चाहिए, और कल्चरल डाइवर्सिटी को बच्चा भी एक्सेप्ट करे, उसकी रेस्पेक्ट करे। और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, या जो इंटर कल्चरल कॉम्पिटेंसीज हैं, या जो इंटर कल्चरल सो कॉल्ड इंटेलिजेंस में कह सकता हूँ, कि ये चीज़ टीचर को निकालना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए एज ए रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अगला पॉइंट जो है वो प्योरिटी ऑफ थॉट्स है। प्योरिटी ऑफ थॉट्स का मतलब है कि टीचर के जो थॉट्स हैं, वो बड़े प्योर और क्लीन होने चाहिए। यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि कोई पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए टीचर में या हम लोगों में, हम लोग टीचर हैं, और कोई प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के बारे में या किसी और इशू के बारे में। वी शुड बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, वी शुड बी वेरी वेरी साइंटिफिक इन आवर अप्रोच। तो ये भी आर्टिस्टिक कंपोनेंट है कि प्योरिटी ऑफ थॉट्स, जो आर्ट का पहलू है। और अगला पॉइंट है मैम, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपकी जो पेडागोजी है, वो कल्टीवेट करे गुड हैबिट्स का बच्चों में। यानी पेडागोजी शुड कल्टीवेट गुड हैबिट्स एंड ओपन माइंडनेस अमंग लर्नर्स। हमारी जो भी पेडागोजिकल प्रैक्टिस है, वो उनसे बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप हो, कल्टीवेशन हो उनका, हर बच्चे के अंदर अच्छी हैबिट्स आए और ओपन माइंड बने हर बच्चा। और लास्ट पॉइंट जो है इसका, वो रेस्पेक्टिंग डिफरेंशियल लर्निंग पेस। देखिए, हम सब जानते हैं कि हर बच्चे का जो लर्निंग पेस है, या जो रेट ऑफ लर्निंग है, या जो स्पीड ऑफ लर्निंग है, वो सेम नहीं है। तो हमें उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो हमारे लिए दुख दर्द की बात नहीं होनी चाहिए, परेशान हमें ना करे, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। और अकॉर्डिंगली उनके लर्निंग पेस के मुताबिक आवर जो पेडागोजी है, मीन्स आवर पेडागोजी शुड बी रेस्पॉन्सिव फॉर द डिफरेंशियल लर्निंग पेस ऑफ लर्नर्स। रेस्पेक्ट करें हमारी पेडागोजी, और जो उनकी नीड आती है डिफरेंट लर्नर्स की, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट लर्निंग पेस, उसका रेस्पेक्ट ही नहीं करें, बल्कि उस पर काम करें, ताकि हर बच्चे का नीड के मुताबिक बच्चे की मदद, बच्चे की सपोर्ट और बच्चे की सहायता की जा सके मैम। तो ये बेसिकली जो पेडागोजी एज एन आर्ट की बात है। जी मैम,
उसको बहुत अच्छे से आपने व्यूअर्स को समझाया। सर, एनसीएफ 2005 में पेडागॉजिकल शिफ्ट की बात की गई है, पेडागॉजिकल शिफ्ट क्या है, और साइंस के रेफरेंस में भी इसके बारे में थोड़ा बताइए कि साइंस के रेफरेंस में पेडागॉजिकल शिफ्ट क्या, मतलब क्या कहते हैं, उसका क्या संबंध है। शुक्रिया मैम। इससे पहले माफ़ करना, मैं एक दो पॉइंट और पहले पॉइंट पे ही बताना चाहूँगा। एक फिर मैं पेडागॉजिकल शिफ्ट की बात करूँगा। सॉरी मैम, एक दो पॉइंट मेरे जहन से निकल गए, मैं बताना चाहूँगा अब आगे कि ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर आवर पेडागॉजिकल एक्शन। टीचर की ऑनेस्टी भी होनी चाहिए और टीचर जिम्मेदार हो वो हर एक्शन जो वो पेडागॉजी में कर रहे हैं। और एपिस्टेमोलॉजिकल प्लूरलिज्म की जरूरत है, और पेडागोजी जो है एक जॉय होना चाहिए फॉर एवरीवन। पेडागोजी एज ए जॉय फॉर एवरीवन, तो ये आर्ट का ही कंपोनेंट है। नाउ आई कम टू द पेडागोजिकल शिफ्ट। मैम देखिए, एनसीएफ 2000 में पेडागोजिकल शिफ्ट का चर्चा हुआ है। यू आर वेरी राइट। पेडागोजिकल शिफ्ट का एक रैशनल है कि क्यों पेडागोजिकल शिफ्ट की जरूरत है। अगर हम मैडम, अगर आप यू 2000 के आसपास आप जाएं, तो दुनिया में बड़े मेजर चेंज आए। पूरे वर्ल्ड में एक बड़े इरिवर्सिबल और मेजर और बड़े ड्रास्टिक चेंजेस आए। उनमें से एक मेजर चेंज है कि वो चेंज इन वर्क एंड वर्क कल्चर। वर्क एंड वर्क कल्चर में बहुत मेजर और इरिवर्सिबल चेंज हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो इस चेंज के हिसाब से अब यह है कि हमें किस तरीके के सिटीजन्स तैयार करने हैं अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। तो ये जो चेंज आया है नॉलेज की नेचर में और सोसाइटी के दूसरे एस्पेक्ट्स में चेंजेज आया है, जैसे प्रेजेंट सोसाइटी को हम नॉलेज सोसाइटी के नाम से जानते हैं, नॉलेज इकोनॉमी के नाम से। महसूस किया है, और हमारे यहाँ भी एनसीएफ 2005 में ये साफ साफ बताया गया पूरे देश को और हम जैसे टीचर्स और टीचर एजुकेटर्स को कि पेडागोजिकल शिफ्ट की जरूरत है, चेंज की जरूरत है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेडागोजी शुड बी रेस्पॉन्सिव टू द चेंज इन वर्क एंड वर्क कल्चर। पेडागोजी शुड बी रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द प्रेजेंट सोसाइटी, सो कॉल्ड नॉलेज सोसाइटी। प्रेजेंट सोसाइटी को पूरा जमाना, पूरा विश्व नॉलेज सोसाइटी कह रहा है। तो जो नॉलेज सोसाइटी की मैम डिमांड्स हैं, जो नॉलेज सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, नॉलेज सोसाइटी का जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हमें पिडागोजी को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है। इसमें चेंज और शिफ्ट की जरूरत है ताकि हम ऐसा सिटीजन, ऐसा ह्यूमन रिसोर्स, ऐसा लर्नर्स तैयार कर सकें अपने कॉलेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, जो नॉलेज सोसाइटी में कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सके और इसमें सर्वाइव कर सके। एक सबसे बड़ी बात यह है कि नॉलेज हैव बिकम द प्राइम ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी, सो कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी। इट मीन्स नॉलेज इज द प्राइम ड्राइवर ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। देयरफॉर पेडागोजी शुड प्रोड्यूस लर्नर्स एज नॉलेज सीकर्स एंड नॉलेज प्रोड्यूसर। नॉलेज इकोनॉमी में पेडागोजी का ये जिम्मेदारी बन जाती है, पेडागोजी की ये तकाजा बन जाता है पेडागोजी पे कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं स्कूल में लर्नर्स, वो नॉलेज सीकर्स हो, उनकी क्यूरियोसिटी हो फॉर फर्दर नॉलेज, फॉर अप फर्दर अपग्रेडिंग, फॉर फर्दर फर्दर एनरिचमेंट ऑफ नॉलेज, यानी वो नॉलेज सीकर्स बने, साथ साथ वो नॉलेज प्रोड्यूसर बने और नॉलेज को फिर वो डिसेमिनेट करें, शेयर करें अपने साथियों में और बच्चों में। अगली शिफ्ट की ये है कि पेडागोजी शुड ट्रांसफॉर्म स्कूल्स इनटू लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास नॉलेज लर्नर्स। उसी तरीके की बात यहाँ भी कही गई है कि पेडागोजी को स्कूलों में चेंज लाना चाहिए, यानी पेडागोजी शुड ट्रांसफॉर्म स्कूल्स इनटू लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास नॉलेज लर्नर्स, यानी वर्ल्ड क्लास नॉलेज लर्नर्स हमें पैदा करने हैं। तो मैम ये बिल्कुल साफ साफ बात है, 2005 से हमारे यहाँ चेंज भी हुआ है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात हो रही है, पेडागोजी में भी बहुत सारी चेंज आई हैं। बच्चों को ऑटोनॉमी और फ्रीडम देने की बात हो रही है, बच्चे बच्चे की इंडिविजुअलिटी की रेस्पेक्ट हो रही है, बच्चे के जो क्वेश्चंस हैं उनका आदर करके क्वेश्चंस के आधार पर पेडागोजी की शिफ्ट करने की हम बात कर रहे हैं। और काफ़ी काम हम कर भी चुके हैं, इसके कुछ रिजल्ट्स भी साथ आ रहे हैं। हमारी एससीईआरटी ने, हमारी डायट्स ने,
ये कामें की हैं। हम इन सर्विस प्रोग्रामों में भी इस तरीके का पेडागॉजिकल शिफ्ट कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और स्कूल्स में भी हमारी पेडागॉजिकल शिफ्ट चल रही है थ्रू मेंटर्स और दूसरे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हैप्पीनेस करिकुलम है, तो ये हर जगह पेडागॉजिकल शिफ्ट की बात देखने में नजर आ रही है। जी मैम, इसके रेफरेंस में बताया जो एनसीएफ 2005 में कहा गया। अब मैं आपसे जो पेडागोजी के विभिन्न आयाम और अवयव होते हैं उनके बारे में पूछना चाहूंगी कि मेरे यूट्यूब व्यूअर्स या फेसबुक व्यूअर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड, सर इसके बारे में भी कुछ चर्चा कीजिए प्लीज। जी शुक्रिया मैम, थैंक यू। देखिए पेडागोजी अपने आप में भाई, आई थिंक मुझे तो मैम डिसिप्लिन सा नजर आता है। पेडागोजी काफी बड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट है ये टीचर्स का। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पेडागोजी किस किस से डील करती है। तो पेडागोजी डील्स विद जो स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जितनी भी हमारी स्ट्रेटजीज हैं टीचिंग लर्निंग की, पेडागोजी उससे डील करती है। ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग क्लासरूम लाइव एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर पेडागोजी इस बात को इम्फेसाइज करती है कि जो हम बच्चों के एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी लर्निंग कंडीशंस जनरेट करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं क्लास में, और फिर उनको मैनेज भी करते हैं। और ये ऐसे होने चाहिए कि जो लाइव एक्सपीरियंसेस हो, लाइव का मतलब है बच्चा सेंसरी यूज कर सके। द चाइल्ड शुड गो थ्रू द सेंसरी एक्सपीरियंसेस। तो पेडागोजी ये कहती है कि जो भी आप ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रहे हैं क्लासरूम एक्सपीरियंस को, वो लाइव हो। लाइव मतलब बच्चे के सेंसरी बेस्ड हो, बच्चा सेंसेस का यूज करे। और ये टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हर मोड़ पर, हर कदम पर वो इंश्योर करे कि बच्चा सेंस को यूज कर रहा है और वो उसे जो समझ बनानी चाहिए वो बना रहा है। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट प्री कंसेप्शंस ऑफ लर्नर्स एंड ट्रांजेक्टिंग टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स। जो बच्चों के प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, प्री कंसेप्शंस हैं, या जो बच्चों के पुराने तजुर्बात हैं, और उनका हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता होगा तो मेरे ख्याल से हम इफेक्टिव पेडागोजी बना सकते हैं। और अकॉर्डिंग जो मोड ऑफ ट्रांजेक्टिंग है, और जो हमारे जो डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, जो डाइवर्स ग्रुप है हमारे लर्नर का, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जा सकता है। इसीलिए ये कहते हैं कि बच्चे की वॉइस का रेस्पेक्ट होना चाहिए, मीन्स रेस्पेक्टिंग वॉइस ऑफ लर्नर्स एंड देयर क्वेश्चंस। बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आई थिंक, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कन्फर्मेटिव और रेडिकल टेस्ट है आपकी पेडागोजिकल प्रैक्टिस का, कि बच्चे आपसे सवाल कर रहे हैं, तो टू माई माइंड यू आर ए वेरी गुड टीचर। अगर बच्चे सवाल नहीं कर रहे हैं, आप कितने अच्छे भी टीचर हो, तो डाउट हो जाता है कि भाई पता नहीं बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। तो बच्चों की जो वॉयस है, अगर वो आ रही है, वो अपने सवाल रख रहे हैं, तो इस बात का सबूत है कि आपकी पेडागोजी अच्छी है। इसी तरह से अगला जो पार्ट है इसका, वो डेवलपिंग एबिलिटीज ऑफ मेकिंग आर्गूमेंटेशन एंड जस्टिफिकेशन अमंग लर्नर्स, यानी बच्चा बच्चे के अंदर ये एबिलिटीज डेवलप कराए हमारी पेडागोजी, कि वो आर्गू कर सके, अपना रुख, अपना प्रस्ताव या जो सोच है उसे रख सके, जैसी भी उसका जिसके उसके माइंड में आ रहा है उसको आर्गू कर सके, उसे कह सके, और अपनी बात को जस्टिफाई करने का प्रयास करे। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और आई थिंक हर टीचर के लिए ये मार्क ऑफ ऑनर है। अगला पॉइंट इसी में आता है, सिंथेसाइजिंग एंड एनालाइजिंग नॉलेज। पेडागोजी शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर सिंथेसाइजिंग एंड एनालाइजिंग नॉलेज। तो नॉलेज कोई यही कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं है, कोई डिस्पेंसिंग ऑफ नॉलेज नहीं है, बल्कि यह है कि पेडागोजी इंश्योर करे कि बच्चा नॉलेज लेने के साथ साथ इसको एनालाइज कर सके और इसको सिंथेसाइज कर सके। तो ये भी पेडागोजी का ही पार्ट है। नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरिंग साइंस इन ए कोलाबरेटिव सेटअप। देखिए इंक्वायरी मोड जो है वो साइंस पढ़ने पढ़ाने का बड़ा, मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी मेथड साइंस का ऐसा नहीं है जो इंक्वायरी पर आधारित ना हो। तो बच्चे के अंदर एक इंक्वायरिंग एटीट्यूड, इंक्वायरिंग हैबिट डेवलप करे,
कि बच्चा हर चीज की इंक्वायरिंग करे, और इंक्वायरी ये एक कोलेबरेटिव सेटअप में होनी चाहिए, जहाँ हमारे बच्चे हैं, जहाँ 30, 40 या 50 या 40 बच्चे हैं, तो वहाँ पर एक कोलेबरेटिव क्लाइमेट, कोलेबरेटिव और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर कोलेब्रेशन की ज़रूरत है। अगर क्लास में हम कोलेब्रेशन का मूड तैयार करा देते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें बच्चे अपने लेवल पर ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, या जो डिस्कशन के माध्यम से कर लेते हैं। इसी तरह से रेस्पेक्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मेकिंग पेडागोजी रेस्पॉन्सिव टू द सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द क्लासरूम। क्लासरूम की जो डाइवर्सिटी है, पहले भी बात हुई है इस पर भी, उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करें। और हमारी जो पेडागोजी है, वो टू माई माइंड पेडागोजी शुड बी कल्चरली रेस्पॉन्सिव, यानी कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी इज द नीड ऑफ द क्लास। यानी वो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसको इनकॉर्पोरेट करें, और हर बच्चे की कल्चरल नीड के मुताबिक, या जो डिफरेंसेस हैं उनके मुताबिक हेल्प करें, मदद करें, और बच्चा एसिमुलेट और एकोमोडेट करे जो न्यू लर्निंग हुई है, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन कर सके अपनी कॉग्निशन में, अपनी डे टू डे की लाइफ में यूज कर सके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है, वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, मीन्स डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो भी हमारी लर्निंग प्रोसेस है, उसमें सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी वो डेमोक्रेटिक हो पाएगी। जब तक हर बच्चा अपने विचारों को शेयर नहीं करता है, टू माई माइंड मैम, कि डेमोक्रेटिक माहौल शायद नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसी को और अपग्रेड करने की जरूरत है क्लास में, सभी बच्चों के हक में ये बात जाती है। जी इस तरह से ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, और इसमें मैम कोई और सवाल, कोई और हमारे ऑडियंस में कोई कोई और व्यूअर्स, जो कोई भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, अगर आप ऐसा है कि उसको हमें बताने की ज़रूरत है, तो वेलकम। कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको रिस्पॉन्ड करने की। ये पूछना चाह रहे हैं, कुछ व्यूअर्स का विचार आया है, उनकी तरफ से क्वेश्चन अराइज हुआ है कि एक नॉर्मल पर्सन है जो ये सोचता है साइंस के बारे में कि जो ये यंत्र रखे हुए हैं, कंप्यूटर रखा हुआ है, ये साइंस है, या कुछ मशीन है तो वो साइंस है, या कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है तो वो साइंस है। तो सर प्लीज इसके बारे में बताइए कि एक नॉर्मल पर्सन साइंस के बारे में क्या बात कर रहा है। शुक्रिया मैम फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मुझे बहुत प्यारा लगा सवाल आपका। हाँ भाई देखिए, अब बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, कि हमारे देश में अभी भी 60% से ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। हमारे देश की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में, इवन शहरी पॉपुलेशन का में भी साइंस के बारे में अलग अलग नज़रिया है लोगों का। देखिए साइंस का बेसिकली कॉमन मैन के लिए ये है कि वो जो उसकी डेली की लाइफ है मैम, और जो प्रेजेंट सोसाइटी है, इसमें सुबह से शाम तक, जब से कोई भी बच्चा या बड़ा या कोई भी नागरिक सुबह उठता है, वो चारपाई से, अपने बेड से, तो साइंस के ऑब्जेक्ट से और साइंस के इशूज से वास्ता पड़ता है। तो यहाँ पर बात यह है कि इतनी जरूर समझ होनी चाहिए, कि इतनी समझ हो कि वो कोई सही फैसला ले सके अपनी ज़िंदगी में, चीज़ों को करना एक रीजनेबल, आई थिंक जो कॉमन सेंस का जो रीजनेबल यूज है मैम, उसे साइंस कहना चाहूँगा इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो कॉमन सेंस ईश्वर ने, प्रभु ने हर इंसान को दी है, नेचर ने दी है, उसका रीजनेबल यूज इन सॉल्विंग द डेली लाइफ प्रॉब्लम डील्स विद साइंस। तो साइंस का मतलब आम आदमी को कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर बनाना नहीं है, बल्कि उसमें इतनी जरूर रीजनेबल कॉमन सेंस इतनी जरूर आ जानी चाहिए कि वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को डील कर सके, और बहुत सारी प्रॉब्लम को, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या जो छोटी मोटी समस्याएं अपनी डे टू डे लाइफ में उनको सॉल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैम, देखिए गांव में अनपढ़ किसान खेती करते हैं, उन्हें पता है कि मक्का के दो दानों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, कितनी गहराई में हमें जो है मक्का के दाने को
सो करना है, उसको बोना है, और फिर उसे कितने दिन बाद हमें पानी देना है, और उसकी हार्वेस्टिंग कब होनी है। तो वो बिल्कुल उन्होंने साइंस के नाम से कुछ नहीं पढ़ा है, साइंस का हो सकता है मीनिंग भी ना जानते हो, लेकिन एक रीजनेबल सेंस है उन्हें खेती करने की। इसी तरह से हम घर में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे सफाई का क्या रोल है, खाने को कितना टेम्परेचर तक हमें उबालना चाहिए ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म ना हो, या कम पैसे में मैम हम कैसे बैलेंस डाइट बना सकते हैं, ये सारी रीजनेबल कॉमन सेंस है हमारी। इसी तरह से घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे घर में होते हैं। तो साइंस का मैं कॉमन आदमी के लिए ये बता रहा हूँ कि भाई इतनी समझ जरूर होनी चाहिए, ये बड़ा एसेंशियल है हर आदमी के लिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में रीजनेबली वो कॉमन सेंस का यूज कर सके और छोटी मोटी समस्याओं को सॉल्व करके अपने को, अपने सर्वाइवल को बेटर बनाए और बेटर बनाए। तो मेरी ये सोच है कि आई थिंक साइंस जो है वो साइंस फॉर लाइफ है, फॉर ह्यूमन, तो साइंस इज फॉर ऑल, हर इंसान की जरूरत है ये। जी मैम, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक नॉर्मल पर्सन जिसने साइंस के बारे में नहीं पढ़ा है, साइंस के बारे में नहीं जानता है, लेकिन उसका काम इस तरीके का दिखाई देता है, इस तरीके का होता है कि वो साइंस से रिलेटेड होता है। मतलब कहीं ना कहीं उसकी कार्यशैली साइंस से रिलेटेड होती है, एक आम आदमी के लिए भी। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुंदर भाषा में साइंस के बारे में समझाया सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मैम, थैंक यू। और अब मैं आई थिंक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अब मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, डायरेक्टर एससीईआरटी, जॉइंट डायरेक्टर सर, एकेडमिक हेड, और ऑल द व्यूअर्स इन जनरल, एंड पर्टिकुलरली ये जो सभी जो टीम है हमारी एससीईआरटी की, जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है, ये सारे टेक्नोलॉजिकल अप्लाइंस और इक्विपमेंट्स को इन ऑर्डर और हैंडल किया है, और मुझे ये मौका दिया है, मैं दिल से सभी का आभारी हूँ, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी का। और ख़ास तरीके से जो ये हमारी टीम है जिन्होंने ये मौका मुहैया कराया, सब कुछ मदद करी, और उनके मार्गदर्शन में ही शायद मैं इतना कर पाया हूँ। तो रियली आई एम हाईली इंडेब्टेड टू ऑल एंड ऑल ऑफिसर्स ऑफ एससीईआरटी, ऑल टीम ऑफ द एससीईआरटी एंड ऑल व्यूअर्स, एंड स्पेशली डॉक्टर उर्वशी जी जिन्होंने मुझे गाइड किया और मेरे को मौका दिया कि मुझे क्या बोलना है, किसके बारे में बात करनी है। तो मैं उर्वशी मैम का दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, और शायद उनकी मदद से, उनके प्रयास से ही मैं कुछ कह पाया हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। शुक्रिया सभी का दिल से एक बार फिर शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार जी।